नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 12 दिसंबर। चलिए फटाफट जानते हैं सिवान, छपरा, गोपालगंज, कटिहार, पटना और अन्य जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर, सिवान जिले के अन्य प्रखंडों की तरह दरौंदा व महाराजगंज प्रखंड में भी पंचायत चुनाव में परिवर्तन का दौर जारी रहा। इसकी झलक शुक्रवार को शहर के शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र डायट व सीडीई भवन में दरौंदा के 17वें व महाराजगंज के 16 पंचायतों की मतगणना परिणाम में देखने को मिली। दरौंदा प्रखंड के मतदाताओं ने 12 में से 7 मुखिया को उनके पद से हटाकर नए प्रतिनिधि को मौका दिया है, जबकि 5 पंचायतों से नई वर्तमान की वापसी हो पाई है। वहीं महाराजगंज में भी जनता ने अपनी अंतिम निर्णय ऐसे ही दिया। खबर प्रेषण तक कुल 16 में से 15 पुराने मुखिया को जनता ने बाय बाय करते हुए उन्हें 5 साल के राजनीतिक वनवास पर भेजने का काम किया है। वहीं नए चेहरे पर भरोसा जताते हुए सभी का स्वागत किया है। अगली खबर, सिवान जिले के रघुनाथपुर बाजार में दिन दहाड़े हुई 40 लाख से अधिक की ज्वेलरी की लूट की घटना के बाद से बाजार में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। कहा जा रहा है कि इस बाजार में दिन दहाड़े लूट की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के पतार बाजार में बैंक लूट की एक घटना हुई थी, जो करीब 35 साल पहले घटी हुई थी। गाँव जवार के लोग का कहना है कि इस घटना से पतार बाजार स्थित SBI ब्रांच में हुई लूट की घटना को याद दिला दी है। बहरहाल रघुनाथपुर बाजार में ज्वेलरी की बड़ी दुकानों में से एक ज्योति अलंकार ज्वेलर्स में हुई लूट की इस घटना में शामिल सभी 6 अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस जुट गई है। अगली खबर, छपरा जिले के दरियापुर प्रखंड के विशंभरपुर पंचायत में वोट को लेकर 2 मुखिया प्रत्याशियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें जमकर हाथापाई व मारपीट हुई। दोनों तरफ से 8 लोग आंशिक रूप से चोटिल हो गए हैं। दोनों प्रत्याशी एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही डेरनी पुलिस पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित किया। समाचार लिखने तक FIR दर्ज नहीं हुई थी। अगली खबर, गोपालगंज से समाज सेवी संस्था मीरगंज युवा क्लब ने तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए शहीदों के याद में मीरगंज शहर से कैंडल मार्च निकाला गया। क्लब के सदस्यों ने कहा कि सीरियस जनरल विपिन रावत के योगदान को भारत कभी नहीं भूल पाएगा। शहर के राजेंद्र चौक से निकाला गया कैंडल मार्च हथुआ मोड़, दलदली मोहल्ला, सद्भावना चौक, बाजार रोड, स्टेशन रोड, कुशवाहा चौक होते हुए राजेंद्र चौक पर पहुंचा, जहां सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अगली खबर बिहार वासियों के लिए संभल जाने वाली खबर है। राज्य में एक बार फिर कोरोना का खौफ मंडराने लगा है। ओमिक्रोन का खतरा लगभग बना हुआ है। ऐसे में पटना एयरपोर्ट पर हांगकांग से आए 2 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि की गई है। इसके अलावा प्रशासन को ये नहीं पता कि 2 कोरोना पॉजिटिव कहाँ है। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। और वहीं राजधानी में कोरोना का संक्रमण बढ़ने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग से मुंबई और फिर पटना एयरपोर्ट पर आए 2 यात्री की जाँच रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है। 5 दिन पहले दोनों यात्रियों की एंटीजन और RT-PCR जांच पटना एयरपोर्ट पर हुई है। जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो स्वास्थ्य विभाग की टीम दोनों यात्रियों की खोज में जुटी है। अगली खबर, बिहार में हर साल पहले बाढ़ और उसके बाद कटाव से जानमाल की काफी क्षति पहुंची है। बाढ़ और कटाव की वजह से फसलों और नदी के किनारे बसे घरों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं कटिहार जिले अभी भी कटाव का दंश झेल रहा है। बाढ़ के रेड जोन कहे जाने वाले अहमदाबाद प्रखंड के झब्बू टोला में कटाव का वीडियो सामने आया है, जहां उत्क्रमिक मध्य विद्यालय झब्बू टोला के 2 कमरे देखते ही देखते गंगा के गोद में समा गए। गनीमत रही कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने नहीं आए थे। बहरहाल देखते रहिए A1 न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हम आपको खबरों से अपडेटेड रख सके। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।